दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें आ रही हैं उनके अंदर जो भी पीसीबी लगी हुई है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो एलईडी टीवी है, और भी कोई मशीन है, तो इनके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और इन एसएमडी कंपोनेंट्स को लगाने के लिए हमें एसएमडी मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास ये एसएमडी मशीन तो है, लेकिन वो इस्तेमाल करते हुए डरते हैं कि अगर मैं इस मशीन का इस्तेमाल करूंगा तो जो एक कंपोनेंट अगर मैं हटा रहा हूं तो अगल बगल के कंपोनेंट भी कहीं उड़ ना जाए। तो ऐसे कुछ डर लोगों के अंदर होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हमारी वीडियो देख रहे हैं जो एसएमडी मशीन खरीदना चाहते हैं और इसे चलाना वो सीखना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी खास बात बताऊँगा जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपसे कोई कंपोनेंट नहीं मिस होगा, ना ही कोई उड़ेगा, सिर्फ वही कंपोनेंट निकलेगा जिसे आप निकालना चाहते हैं। और ऐसी ये टेक्निक हैं जिन टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप एसएमडी मशीन को चलाना बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे टेक्निक नंबर एक, यानी जो पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस कंपोनेंट को भी आप निकाल रहे हैं, एक बार पास लाके दिखाओ। अब जैसे देखिए, एक मोबाइल का ही सर्किट है, इसके अंदर सबसे बारीक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हमारी चिमटी ऐसी होनी चाहिए जो उस कंपोनेंट को आसानी से जो है पकड़ सके। तो देखिए, यहाँ पर ये इसे आसानी से पकड़ पा रही है। ठीक है, तो पहला टिप तो आपको ये ध्यान रखना है, चिमटी आपको बढ़िया लेनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात का आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप चिमटी को उस हाथ से पकड़ें जिस हाथ से आप पेन पकड़ते हैं, यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं। अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो आप उल्टे हाथ से चिमटी को पकड़ें, मशीन को सीधे हाथ से पकड़ें, असेंबली मशीन को। और अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं, जैसे कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो मैं चिमटी भी सीधे हाथ से पकड़ता हूं, क्योंकि सीधे हाथ पे मेरा ज़्यादा नियंत्रण है और मशीन में पकड़ूंगा उल्टे हाथ में। तो देखिए, किसी भी कंपोनेंट को जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम असेंबली मशीन से उस कंपोनेंट को हीट करते हैं तो उसके आसपास के कंपोनेंट की सोल्डिंग भी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर वो बगल वाले कंपोनेंट हल्का सा भी हिल गया तो वो अपनी जगह से दूर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, मशीन को कैसे पकड़ना है। तो तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि आपको मशीन को कभी भी तिरछा नहीं पकड़ना है, क्योंकि मशीन जब आप इस तरीके से पकड़ेंगे, पास लगा के दिखाओ, तो क्या होगा, जब तिरछी एयर पड़ेगी कंपोनेंट के ऊपर, साइड से एयर पड़ेगी, तो क्या होगा, कंपोनेंट को धक्का लगेगा, कंपोनेंट की उड़ने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप मशीन को पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा तो क्या होगा, जिस कंपोनेंट को आप निकाल रहे हैं वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसके अगल बगल की जो कंपोनेंट है जिसकी सोल्डिंग मेल्ट हो गई है वो अपनी जगह को पकड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी तीसरी बात। और चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप किसी कंपोनेंट को निकालें, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगल बगल के कंपोनेंट की भी सोल्डिंग जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि अगर जिस कंपोनेंट को हम निकाल रहे हैं उसके अलावा चिमटी आसपास भी हमारी जो है लग गई, यानी हाथ हमारा हिल गया, तो क्या होगा, आसपास के कंपोनेंट भी फिर उड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चिमटी को बिल्कुल स्थिर उसी कंपोनेंट को पकड़े रखना है जिसको आपने निकालना है, चिमटी को हिलने नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं असेंबली मशीन को चलाने में, तो हाथ तो हिलते ही हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो उसका भी एक तरीका है कि आप सबसे पहले हाथ को कर लें होल्ड इस तरीके से। यहाँ पर मैंने टेबल पे इस हाथ को होल्ड कर लिया है, अब इसके हिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद आप जब कोई भी कंपोनेंट निकालेंगे तो आपके हाथ जो है वो नहीं काँपेंगे, और अगर आपके हाथ फिर भी काँपते हैं तो आप कंपोनेंट निकालने लगाने की प्रैक्टिस करें। वो कैसे कर सकते हो आप, तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है तो एक बार दिखाइए पास लाके। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली पहली बार मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मशीन को चलाना सीखने के लिए आप सबसे पहले ये जो बड़े कंपोनेंट आप देख रहे हैं ना, थोड़ा जूम करके दिखा देना भाई, ये जो बड़े कंपोनेंट्स हैं ना, सबसे पहले आप इन्हीं को लगाओ, निकालो लगाओ निकालो लगाओ। ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इससे छोटे कंपोनेंट पे आ जाइए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो उससे छोटे कंपोनेंट पे आ जाइए। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, डेली 15-20 मिनट की प्रैक्टिस करने से एक हफ्ते में ही आप मशीन चलाना अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो आइए मैं अब आपको इस एसएमडी मशीन से एक कंपोनेंट निकाल के बताऊंगा। और एयर जो है
मैं बिल्कुल फुल कर लूँगा, उसके बाद वो कंपोनेंट निकाल के लगाऊंगा और टेक्निक वही रहेगी जो आपको मैंने बताई है। कई बार कुछ लोगों को ये डर भी लगता है कि भाई ज़्यादा एयर करने से कंपोनेंट उड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, एयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्निक सही होनी चाहिए। तो अब आपका डर दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एयर को कर देता हूँ बिल्कुल फुल। देखिए, दिखाओ इसमें, दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर हम कर देते हैं फुल, हीटिंग हमने कर दी है 350 और 400 के बीच में, और अब आप सुन सकते हैं एयर, एयर की जो फ्लो है आप सुन पा रहे होंगे। और अब मैं आपको इस फुल एयर से एक कंपोनेंट निकाल करके बताऊंगा। तो एक बार ज़रा पास लाओ, दिखाओ ज़रा, ये वाला जो है कंपोनेंट जो है हम निकालेंगे। और ये कंपोनेंट देखिए, ये चारों तरफ से छोटे छोटे कंपोनेंट से घिरा हुआ है और मशीन मैंने देखिए बिल्कुल सीधी पकड़ी हुई है। मोबाइल में आ रहा है कंपोनेंट, दिख रहा है? तो देखिए एयर बिल्कुल फुल है और आसपास का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं उठ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट बाहर आ गया है और अब हम इसे वापस लगाएंगे उसी जगह पर। तो वापस लगाने का जो तरीका है वो ये है, देखिए कंपोनेंट को उसी जगह पर रख दिया है, मशीन से हमने हीट किया है, एयर बिल्कुल फुल है, देखिए आसपास का कोई कंपोनेंट जो है नहीं उड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मशीन को पहले हटाएंगे, फूंक मारेंगे हल्का सा, उसके बाद चिमटी हटाएंगे। ये देखिए चिमटी मैंने बाद में हटाया और ये कंपोनेंट देखिए अपनी जगह पर वापस लग गया है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, एयर बिल्कुल फुल है लेकिन कंपोनेंट वही जो है जिसे हमने हटाना था वही हटाया, उसके अलावा और किसी कंपोनेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस टेक्निक से अगर आप भी काम करेंगे तो आप भी असेंबली मशीन बहुत जल्दी चलाना सीखेंगे। और अगर आप, तो दोस्तों अब एयर की बात अगर हम करें तो एयर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल रखना है, ये तो मैंने बस आपका जो है डर दूर करने के लिए आपको दिखाया था कि एयर चाहे कितनी ही फुल हो पर टेक्निक सही होनी चाहिए। तो एयर आप अगर रखना भी चाहते हैं तो आपको कितना एयर रखना है, तो देखिए कई बार क्या होता है हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जो है सीखते हैं तो सीखते हुए वो यहाँ पर जब असेंबली मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं जब उनको देखता हूँ जो है काम करते हुए तो एयर बिल्कुल वो क्या करते हैं बिल्कुल जीरो पे कर देते हैं। वो इस डर से करते हैं क्योंकि कोई कंपोनेंट ना उड़ जाए। तो देखो दोस्तों, अगर एयर हमने बिल्कुल कम कर दी तो एयर के द्वारा ही जो एलिमेंट की हीटिंग है वो निकलती है बाहर और कंपोनेंट से टकराती है, इसी के कारण सोल्डिंग मेल्ट होती है और कंपोनेंट निकलता है। तो अगर हम एयर को कम कर देंगे तो वो हीटिंग बाहर नहीं निकलेगी, तो इसीलिए आपको एयर भी करनी पड़ती है। आप एयर कितनी रख सकते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एयर का जो है आपको आइडिया कैसे लेना है कि एसएमडी मशीन के सामने आपको अपना ऐसे हाथ रखना है हैंडल के सामने, और जितनी दूर मैंने अपना हाथ रखा है इतनी दूर एयर का जो प्रेशर है आपको महसूस करना है, ठीक है? तो इतनी दूरी पर अगर आपको एयर महसूस हो रही है तो आप इतनी ही एयर आप रख सकते हैं, इससे आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, चाहे आपको आईसी रिबोलिंग करना है, चाहे आपको कोई कंपोनेंट निकालना है, चाहे आपको कोई आईसी निकालनी है, चाहे आपको कोई भी एलईडी या एलसीडी टीवी का कंपोनेंट निकाल के वापस लगाना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सीखना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।